जय हिंद एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सामंतराय एकेडमी। आज हमारो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन क्लास रे हमें देखिबा ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज वन बाय वन हाउ टू कल्टीवेट, हाउ टू कल्चर, हाउ टू इनवाइट ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। हमें देखिबा जे ए जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज गुडा को हमें किमती डेवलप करि परबा वन बाय वन वन बाय वन। सो हमें ऑलरेडी जानिचे लास्ट वीडियो रे ऑलरेडी हमें डिस्कशन करथिले देयर आर 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज और ताको मन रखिया पे हमें गुटे कोड भी बाहर करथिले दैट इज प्रो आइडियल डबल सी एंड 5S। प्रो पी स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आर स्टैंड्स फॉर रीजनिंग एबिलिटी, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आई स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव, डी स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेशन, ई स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, एल स्टैंड्स फॉर लाइवलीनेस। प्रो आइडियल डबल सी, सी स्टैंड्स फॉर करेज एंड अनदर सी स्टैंड्स फॉर कोऑपरेशन। देन कम्स योर 5S, स्टेमिना, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एडप्टेबिलिटी, स्पीड ऑफ डिसीजन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। दीज आर द 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज यू हैव टू प्रैक्टिस इन योर डे टू डे लाइफ। नाउ इफ यू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वालिटीज इन योर डे टू डे लाइफ देन इन द SSB इंटरव्यू द सेम थिंग विल रिफ्लेक्ट देयर एंड दे विल सिलेक्ट यू। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू प्रिपेयर फॉर 10, 15 और 30 डेज फॉर SSB। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस ऑल दीज ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज एज अर्ली एज पॉसिबल। सम क्वालिटीज आर इनबॉर्न क्वालिटीज, सम क्वालिटीज ऑलरेडी यू कल्टिवेटेड फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम द सोसाइटी वेयर यू लिव। बट अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वालिटीज टू बी ए लीडर, टू बी ए ऑफिसर। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन हाउ टू कल्टिवेट दीज क्वालिटीज। सो द फर्स्ट क्वालिटीज इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंप्रूविंग और एनहेंसिंग पावर ऑफ एक्सप्रेशन। सी पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली इन SSB वेन एवर योर ग्रुपमेट्स और द इंटरव्यूअर्स लिसन टू यू दे कंसिडर 3 थिंग्स और whoever the person listen to you consider 3 things। number 1 who is speaking, number 2 on what topic you are speaking and number 3 is the way you speak। so first number 1 you are simply a candidate, you are not the collector, you are not the prime minister, so you are not the MP or MLA so that people will listen to you, you are simply a candidate। तो तमें किए से जिनसटा तम हाथ में नहीं, तमें गोटे साधारण साधारण छात्र जे कि
कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई प्रिपेयर करुचि कौनसी लोक तुमको सुनिबारे स्पेशल इंटरेस्ट नहीं देन कम्स योर ऑन व्हाट टॉपिक यू आर स्पीकिंग तुम्हें जे कोनोसी जगह को जीवो इंटरव्यू जीवो किंबा ग्रुप डिस्कशन तुम्हें पार्टिसिपेट करिवो किंबा डिबेट करिवो कौन टॉपिक ऊपर कहिवो ऑन व्हाट टॉपिक यू आर गोइंग टू स्पीक इट इज आल्सो नॉट अंडर योर कंट्रोल टॉपिक दे विल प्रोवाइड एंड यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक सो टू थिंग्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल नंबर वन हु इज स्पीकिंग एंड नंबर टू ऑन व्हाट टॉपिक यू आर स्पीकिंग एंड देन कम्स द थर्ड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट द वे यू स्पीक देयर यू हैव टू इंप्रोवाइज यू हैव टू इंप्रूव योर क्लैरिटी ऑफ स्पीच यू हैव टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल सो दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक दे विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल मैटर्स द मोस्ट द मोर यू आर कॉन्फिडेंट द मोर क्लैरिटी इन स्पीच इज देयर सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव टू वर्क अपन योर कम्युनिकेशन स्किल नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द वेज टू इंप्रूव योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स देखो हमें दीटा वे कम्युनिकेट करी परिवा राइटिंग एंड स्पीकिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल नीड ऑफ द आवर इज यू हैव टू बी एक्सलेंट इन बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग दिस इज द नीड ऑफ द आवर जदि तुमको कैरियर रे आगु को जीवार अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करियर अच्छी क्लास वन कमिशन ऑफिसर हवार अच्छी सिविल रे किंबा डिफेंस रे तुम्हारा रीडिंग राइटिंग एंड तुम्हारा स्पीकिंग एबिलिटी और राइटिंग एबिलिटी ये दीटा जाक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ओके सो फॉर एन एक्सलेंट पावर ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एन एक्सलेंट पावर ऑफ एक्सप्रेशन आई ऑलवेज एडवाइज टू बी इन टच विथ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एटलीस्ट 4 hours इन ए डे 4 घंटा तुमको करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज सहित टच रहा पड़ो केमी कौन कौन वेज अच्छी सो यू कैन इंप्रूव योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन बाय रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग रीड राइट लिसन एंड स्पीक एंड एटलीस्ट 4 hours इन ए डे यू हैव टू बी इन टच विथ करेक्ट इंग्लिश देन बाय डिफॉल्ट दैट विल कम बाय डिफॉल्ट हमें जमी बाय डिफॉल्ट ओडिया कहे हमें जमी बाय डिफॉल्ट हिंदी भी कहीदे बट बाय डिफॉल्ट इंग्लिश कहला बेलू प्रॉब्लम हूँ कहीं लैक ऑफ रीडिंग हैबिट लैक ऑफ राइटिंग हैबिट लैक ऑफ लिसनिंग हैबिट एंड लैक ऑफ स्पीकिंग हैबिट सो हमें जदि यही 4 ऊपर काम करवा ताले डेफिनेटली वी विल हैव एन एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल और एन एक्सलेंट पावर ऑफ एक्सप्रेशन सो रीड रीडिंग कौन कौन रीड यू हैव टू रीड रिमेंबर देयर इज ए पॉपुलर कोटेशन दैट इज रीडर्स आर लीडर्स ऑल द इन्फ्लुएंशियल लीडर्स मोस्ट ऑफ देम आर गुड
रीडर्स पढ़ा पड़ो जब तुमको आगे जीवार अच्छी न्यूज पेपर पढ़ रीड न्यूज पेपर एवरी डे आम करंट अफेयर क्लास भी होती जोटा कि तुमको न्यूज पेपर पढ़ापी उत्साहित कराऊन टेक्स्ट बुक सी प्लस टू रे इंग्लीश टेक्स्ट बुक थी भल से पढ़ले जब भी एकेडमिक जीव तुम टेक्स्ट बुक आसो इंग्लीश इंग्लीश गोटे सब्जेक्ट थोड़ा भल से पढ़ देन रीड नोवेल गुड नोवेल्स एंड ऑल्सो यू हैव टू रीड मोटिवेशनल बुक्स सो सिटी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ला परे गोटे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आसला ता सहित इंग्लीश भी इम्प्रूव हला इंग्लीश बुक एंड स्टडी मटेरियल देखो आम जो मटेरियल प्रोवाइड करछु तो बहुत गुडे मटेरियल अच्छी जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ले तुम इंग्लीश भी इम्प्रूव हला प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे तुम्हें भल स्कोर कल एंड तुम कम्युनिकेशन स्किल बढ़ला प्रीवियस सॉल्व पेपर्स रीड एंड सॉल्व प्रीवियस सॉल्व पेपर ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जदि तुम डिफेंस दौ एनडीए एग्जाम एनडीए रो प्रीवियस पेपर सॉल्व करो जदि तुम बैंक एग्जाम दौ बैंक रो प्रीवियस पेपर सॉल्व करो जदि तुम सपोज आईएएस आईपीएस दौ तार प्रीवियस पेपर आण सॉल्व करो देन स्टोरी बुक्स देखो हमरो इंग्लिश रे बहुत गुडे मैगजीन्स आसे जमती चंदा मामा आसुला मु देखी बहुत जन पिला कॉमिक्स पढ़ी इंग्लिश इम्प्रूव कर सो जो स्टोरी बुक जो मैगजीन तुमको भल लगला से पढ़ बट वन थिंग रिमेम्बर डोंट जस्ट रीड ऑब्जर्व खाली पढ़ी छाड़दे हमनी ऑब्जर्व कर मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ला परे जहां भी डिफिकल्ट वर्ड ताको अंडरलाइन कर एंड डिक्शनरी तार मीनिंग बाहर कर लेख ताको रिलेटेड आउ गोटे सेंटेंस भी लिख दियो सो दैट तुम्हें वर्ड रो मीनिंग जान ताको यूज भी कर सो इन दिस वे दिस आर द वेज टू रीड टू स्पेंड टाइम इन रीडिंग बुक्स देन कम्स राइटिंग पार्ट Write a diary, maintain a diary. Again, there is a popular quote: maintain a diary and the diary will maintain you. Every day, before you go to bed, write down all the happenings. Write down what improvement I have to make. Write down what I did today. So, write everything. In a diary and plan. Next, write interesting articles from newspaper. From newspaper and magazine, you get many articles and stories are published. Suppose you get something interesting. Okay, so without wasting any time, just write down that part only. Then, project. Presentation. See, in school, in colleges, in different institution, you get an most of the time you get an opportunity to present about a topic. Then don't waste that opportunity. Tomorrow college re bhi hoci debate competition hala kichhi gote topic upar presentation dewa ko kahila. To seta gote opportunity, se opportunity ko waste karoni se presentation ta. लेख लेखिवाटा होची फर्स्ट पार्ट तापर होची सेकंड होची प्रेजेंटेशन पार्ट जिंती एटा प्रेजेंटेशन मु कहली पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑल द हाउसेस लाइक क्वालिटीज हाउ टू इंप्रूव पावर ऑफ एक्सप्रेशन रीड राइट लिसन एंड स्पीक सो कंप्लीट प्लानिंग है गला वर्तमान प्रेजेंटेशन होची सो फर्स्ट राइटिंग देन प्रेजेंटेशन तमे जे कोनोसी टॉपिक को नहीं करी एंती राइटिंग
एंड प्रेजेंटेशन भी करी परिबो देन नेक्स्ट एसे राइटिंग ओके एसे राइटिंग इज वेरी इंपोर्टेंट पार्ट तमरो प्लस टू हो प्लस थ्री हो इंग्लिश रे तमरो एसे राइटिंग आसुची गोटे टॉपिक जे कोनो से गोटे टॉपिक उपरे एसे राइट डाउन एवरी वीक राइट डाउन वन एसे सो आगु को यूपीएससी एग्जाम रे तमरो एसे राइटिंग बहुत मार्क कैरी करे एसे राइटिंग देन मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड सो एज आई से डोंट जस्ट राइट अंडरस्टैंड ऑब्जर्व एंड टू अंडरस्टैंड यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इफ यू डोंट नो द मीनिंग यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग टू नो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस खाली तो लिखिले हमने बुझिकी लिखार अच्छे जदि किसी वर्ड रीनिंग आसुनी ताको अंडरलाइन करी तार मीनिंग टाइम लिखा अच्छे वर्ड पावर नोटबुक वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर तुम जब वर्ड पावर नोटबुक मेंटेन करू ना इंग्लिश इंप्रूव हमनी देन नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरीज ओके राइट रीड शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑल्सो राइट शॉर्ट स्टोरी न्यूज पेपर एवरी नाउ एंड देन यू गेट सम मोटिवेशनल स्टोरीज ऑफ हीरोज सो राइट डाउन दोज स्टोरीज motivational stories that inspires you and that motivates you to work hard to focus on your studies then listening okay listen to the radio news okay radio news is it is clarity and correct pronunciation is there in radio news so if you listen to radio news if you observe automatically it gets imbibed then tv news channels are there so watch english news try and understand then you can also listen to the news from your mobile phones all the new channels are there in the mobile phone so listen to new channel every day english new channel then motivational videos dekho motivational videos to bahut aus youtube re english version gudak dekho so that tomaro bhi english develop ho then academic classes okay right now you are listening to me though I am speaking both in english and Odia, but still I am trying to speak more and more in English. And again, I have to ensure that everyone understood. That is why majre mathe Odia re koyaku poduchi. Kahinki na, bahut jana achanti Odia medium ra ghare boschanti. English tikke semane ku awkward laguchi. But I am trying to keep it simple and keep it more English. And less Odia words I am using. Then interviews of achievers. Okay, achievers interview. You will get that in your mobile phone. Achievers interviews in English. English re samane interview do chanti. Achiever mane ke sports re achiever hetibo ke IAS topper hetibo ke. जेई टॉपर हेतिबार इंटरव्यू सब आसे एंड इंग्लिश इंटरव्यू टाक देख ऑब्जर्व कर देन इंग्लिश मूवीज विथ सबटाइटल भलो इंग्लिश मूवी विथ सबटाइटल देख और निजर इंग्लिश इंप्रूव कर देन स्पीक पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन जेतेबेले भी तुमको अपॉर्चुनिटी मिलिबो ग्रुप डिस्कशन रे पार्टिसिपेट करो लेक्चरेट इज पार्ट ऑफ एसएसबी हियर अ टॉपिक इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर 3 मिनट तुम मैंने जेतेबेले ठीक आसीबो हमर जीडी और लेक्चरेट क्लासेस हमें आरंभ करिबा ता पूर्वरो आईडिया नेबा पई यूट्यूब रे तुम जीडी और एसएस आउ लेक्चरेट रो किछि वीडियो भी देखो देन प्रेजेंटेशन Whenever you get an opportunity, suppose tumko gote kohala awareness
for COVID, make a presentation. So you have to make a presentation for that, and you have to speak about awareness for COVID for 3 minutes. So first you have to write, you have to divide the topic, introduction, then body, then conclusion. Then next is interact with parents. So for fun, देखो normally हमें parents मानों को सोचता उड़िया रही कथा हुए so just मजा पाई बड़े बड़े parents मानों को सोचता English रे कथा हो और ताकरो respond देखो okay then interact with your friends तमो friend circle रे तमे decide करो आज तो हमें English रे कथा हुआ so start करो धीरे धीरे improve हो next स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर सी तमे जदी पेरेंट्स सहित कथा ही परनो फ्रेंड्स सहित कथा ही परनो द बेस्ट वे इज टू इंप्रूव योर इंग्लिश इज टू होल्ड द न्यूज़पेपर एंड रीड लाउडली एटा बहुत जण करचंती आ बहुत सक्सेसफुल भी हिचंती मिरर आगरे प्रेजेंटेशन भी दोचंती मिरर आगरे इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढिचंती जो माने हमरो माने ऑफिसर कैडर पाइचंती समान तो एटा बहुत थरो ट्राई करचंती और तंगरो इंप्रूव हिच भी इंग्लिश रीड न्यूज़पेपर लाउडली ओके सो रीडिंग न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मिरर सामने भी तुम्हें कोई परिवो दीज आर द वेज टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल सो डेटा जिनसो मु कोई भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट जिनसो उची be in touch with correct English at least for 4 hours in a day. Second thing, maintain a word power book. Prati dino, mu already koi chi dhilam goyro gote gote tame paragraph exercise karo book ro, continue karo seita, gote dino gote paragraph ro solution karo, tara difficult word bahar karo, continue karo seita. Word power book is very important. एंड आमर जोटा पढ़ा होचे इंग्लिश दिलन रो इंग्लिश ग्रामर पढ़ुचो तमे ग्रामर रे भी तमे करेक्ट सेंटेंस गुडा करुचो सो इन दैट वे यू लर्न ग्रामर एज वेल एज यू स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथनिंग योर कम्युनिकेशन स्किल सो द डिसाइडिंग फैक्टर इज इंटरेस्ट यू हैव टू डेवलप interest to learn to speak and to write excellent English and that will decide your future so sesare mu samastanku kahibi je ei madhyamare tame tamaro communication skill or power of expression badhi paribo improve kari paribo pratidina किसी ना किसी नया वर्ड सीखो प्रतिदिन 4 घंटा करेक्ट इंग्लिश सहित टच रे रहो डेफिनेटली यू विल बी ए गुड पब्लिक स्पीकर एंड ए पर्सन विथ एक्सेलेंट पावर ऑफ एक्सप्रेशन थैंक यू वेरी मच जय हिंद